गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एज यू ऑल नो दैट वी हैव आई हैव नॉट टीच यू ऑन सैटरडे बिकॉज आई हैव सम नेसेसरी वर्क टू डू, सो सॉरी फॉर इट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू सो। ओके, देखिए जैसा हम सबको पता है कि मैंने सैटरडे को क्लास नहीं ले पाई थी क्योंकि मुझे कहीं कोई खास काम से जाना था, ठीक है, तो सॉरी फॉर दिस। ओके, चलिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, हमने जो क्वेश्चन कर रहे थे ना क्लास 11th के वही आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th, देखिए क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है, द ऑड वे, यानी ऑड वे का मतलब क्या होता है, एक अलग तरह का, एक अलग चीज़ है, इन विच जिसमें द ऑथर्स ग्रैंड मदर, जिसमें ऑथर की दादी बिहेव जस्ट बिफोर सी डेड, यानी जो देखिए यहाँ से संज्ञा द ऑथर्स ग्रैंड मदर मतलब लेखक की दादी, ऑथर्स ग्रैंड मदर बेहेव उन्होंने व्यवहार किया था जस्ट बिफोर सी डेड, यानी उन्होंने मरने से थोड़ी पहले वो कौन सा विचित्र व्यवहार किया था, क्या कहा सॉरी उन्होंने जो मरने से पहले ऑथर की जो दादी थी ना, लेखक की दादी थी, उन्होंने मरने से पहले वो कौन सा विचित्र व्यवहार किया था, आप उसके बारे में बताइए ये क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जस्ट बिफोर द डे, जस्ट बिफोर द डे यानी उस दिन से तुरंत पहले की बात है, जस्ट बिफोर द डे द ग्रैंड मदर डेड, दादी गुजर गई थी, शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने क्या नहीं किया था, प्रार्थना नहीं की थी। ये क्या कह रहा है, जस्ट बिफोर तुरंत पहले द डे यानी उस दिन के तुरंत पहले द ग्रैंड मदर डिड, सॉरी ग्रैंड मदर डैड यानी दादी गुजर चुकी थी, शी डिड नॉट प्रे उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, इन द इवनिंग शाम के समय उस दिन दादी ने प्रार्थना नहीं की थी, शी कलेक्ट द वुमन यानी उन्होंने औरतों को इकट्ठा किया था, ऑफ द नेबरहुड कहाँ से इकट्ठा किया था, अपने पड़ोसी आने से, ठीक है, गॉट एन ऑल ड्रम और उन्होंने ये क्या पाया था, एक ऑल ड्रम जिसको उसमें क्या बताया गया था, डिल अपडेट ड्रम यानी पता पुराना ढोलक, ठीक है, एंड सेंग और गाया था उन्होंने क्या, द ओल्ड होम कमिंग जो पुराने ज़माने में जो वॉरियर्स थे ना वो आया करते थे घर पर वापस, उसकी खुशी में उन्होंने उसके गाने गाए थे, इट वॉज द फर्स्ट टाइम या कैसा था, पहला टाइम था यानी यह पहली बार था, वैन जब शी डिड नॉट उन्होंने नहीं किया था प्रे प्रार्थना, उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह शी वाज इल वो क्या हो गई, बीमार हो गई थी, ठीक है, शी टोल्ड अस उन्होंने हमसे कहा, दैट की हर एंड वाज नियर, देखिए हर यानी उनका, एंड यानी अंतिम समय, वाज यानी था, नियर यानी पास यानी उनका जो अंतिम समय था वो कैसा था, पास था, एंड एज शी हैज ओमिटेड जैसे ही उन्होंने चालू किया, ओमिटेड यानी बाहर निकालना शुरू किया क्या, टू प्रे यानी अपने प्रार्थना के गीत, लास्ट इवनिंग यानी अंत की इवनिंग के दिन की बात है ये, शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम यानी शी वाज नॉट गोइंग वह ज़्यादा कुछ करने नहीं जा रही थी, जो दादी थी ना वो ज़्यादा कुछ करने नहीं जा रही थी, टू बेस्ट एनी मोर टाइम यानी अपना ज़्यादा समय बेस्ट नहीं करना चाहती थी, टाइम टॉकिंग टू अस हमसे बात करने में वो ज़्यादा अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहती थी, ठीक है, सी ले यानी वह लेट गई, ले में क्या होता है, बिस्तर पर लेट जाना, सी ले पीसफुली आराम से इन बेड में आराम से वो सो गई, प्रेइंग एंड टेलिंग यानी प्रेइंग यानी प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग यानी कहते हुए, हर बीट्स बिफोर सी डेड यानी मरने से पहले उन्होंने अपने जो माला फिरते हैं ना उसको गाते हुए आराम से ख़त्म हो गए, ठीक है। चलिए सिर्फ इतने हमारी कहानी थी, अब हम इसको करते हैं क्या याद, अभी तो मैंने सिर्फ आपको क्या दिखाया, ट्रांसलेशन हाउ टू यूज ट्रांसलेशन, ठीक है, इंग्लिश टू इंटू हिंदी, देखिए जस्ट बिफोर द डे यानी उस दिन से पहले, जस्ट बिफोर द डे, ओके, जस्ट बिफोर द डे द ग्रैंड मदर डेड सॉरी
जस्ट बिफोर द डे द ग्रैंड मदर डेड, जस्ट बिफोर द डे यानी तुरंत पहले द ग्रैंड मदर डेड, शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी इन द इवनिंग, यहाँ तक आप याद कीजिए, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस मेक सम मैन परफेक्ट, या आप ऐसे बोलिए कि सम प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही परफेक्ट खुद होंगे, ठीक है। तो जस्ट बिफोर अ डे द ग्रैंड मदर डैड, शी डिड नॉट प्रे इन द इवनिंग, उन्होंने शाम को प्रार्थना नहीं की थी। जस्ट बिफोर द डे द ग्रैंड मदर डैड, जस्ट बिफोर द डे यानी जो जिस दिन दादी मरी थी उस दिन से तुरंत पहले के दिन की बात कर रहे हैं, क्या, जस्ट बिफोर द डे द ग्रैंड मदर डैड, शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, शी डिड नॉट प्रे इन द इवनिंग, शाम के समय, यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, आई थिंक यू ऑल आर गॉट इट। शी कलेक्ट द वुमन ऑफ द नेबरहुड, शी कलेक्ट द वुमन, उन्होंने औरतों को इकट्ठा किया था, ऑफ द कहाँ से, ऑफ द नेबरहुड, कहाँ से, अपने पड़ोस से। शी कलेक्ट द वुमन, ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने कहाँ से औरतों को इकट्ठा किया, अपने पड़ोस से, ठीक है। जस्ट बिफोर द डे द ग्रैंड मदर डैड शी डिड नॉट प्रे इन द इवनिंग, उन्होंने शाम को प्रार्थना नहीं की थी। शी कलेक्ट द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने औरतों को इकट्ठा किया कहाँ से, अपने पड़ोस से। शी कलेक्ट द वुमन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम, और उन्होंने क्या पाया, एक पुराना सा ढोलक, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड सेंग, उन्होंने एक पुराना सा ढोलक पाया और उन्होंने गाना गाए, किसके, द ओल्ड होम कमिंग ऑफ बेरियर्स, द ओल्ड होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स। देखिए रिपीट्स वन मोर, जस्ट बिफोर द डे द ग्रैंड मदर डैड, शी डिड नॉट प्रे इन द इवनिंग, शी कलेक्ट द वुमन ऑफ द नेबरहुड, got an old drum and sang the old homecoming of warriors, ठीक है। दादी के मरने से एक दिन पहले की बात है कि उन्होंने क्या किया था, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, औरतों को इकट्ठा किया था और एक पुराना सा ढोलक पाया और योद्धाओं के घर वापसी की खुशी में क्या, घर वापसी के गीत गाए, इतना याद हो गया। देखिए वी हैव टू रिपीट वन मोर टाइम, सो प्लीज आर यू लिसनिंग मी प्रॉपर और नॉट, देखिए यू हैव टू यूज ईयरफोन व्हाइल रीडिंग एनी ऑनलाइन क्लासेस, ओके। जस्ट बिफोर द डे देखिए क्वेश्चन बड़ा है, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आप सोचते होंगे कि मैं फालतू टाइम निकाल रहा हूँ, नहीं। जस्ट बिफोर द डे द ग्रैंड मदर डैड शी डिड नॉट प्रे इन द इवनिंग, शी कलेक्ट द वुमन ऑफ द नेबरहुड एंड got an old drum and sang the old homecoming of warriors. इट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था जब शी डिड नॉट प्रे, यह पहली बार था जब दादी ने प्रार्थना नहीं की थी। कभी क्या कह रहे हैं कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम वेन शी डिड नॉट प्रे, यह पहला टाइम था उनकी ज़िंदगी का लेखक के सामने कि जब उन्होंने आज के दिन प्रार्थना नहीं की थी।
ओके इट वॉज द फर्स्ट टाइम वेन शी डिड नॉट प्रे द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज इल द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज इल अगली सुबह ही दादी क्या हो गई बीमार। देखिए जस्ट बिफोर द डे द ग्रैंड मदर डेड द ग्रैंड मदर डेड शी डिड नॉट प्रे इन द इवनिंग कलेक्ट द वुमेन ऑफ नेबरहुड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड सेंग द ओल्ड होमकमिंग्स ऑफ वॉरियर इट वॉज द फर्स्ट टाइम वेन शी डिड नॉट प्रे द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज इल अगली सुबह ही वो क्या हो गई बीमार हो गई। ठीक है शी टोल अस डैड उन्होंने हमसे कहा था डैड की शी टोल अस डैड उन्होंने हमसे कहा था कि हर एंड वॉज नियर एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज इल एंड शी टोल अस डैड हर एंड वॉज नियर एंड एज शी हैज ओमिटेड टू प्रे लास्ट इवनिंग ओके जस्ट बिफोर द डे ग्रैंड मदर्स डैड शी डिड नॉट प्रे इन द इवनिंग कलेक्ट द वुमेन ऑफ नेबरहुड गॉट एन ओल्ड ड्रम्स एंड सेंग द ओल्ड होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन शी डिड नॉट प्रे ओके द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज इल एंड शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर एंड एज शी हैज ओमिटेड टू प्रे उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी लास्ट इवनिंग अंत के दिन की बात है शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस वो हमसे ज़्यादा बात करने में फालतू समय व्यतीत नहीं करना चाहती थी शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स बिफोर शी डेड ओके आई थिंक यू ऑल नो गॉट इट बाय एट हार्ट ओके आई थिंक वन मोर टाइम वी हैव टू रिपीट जस्ट बिफोर द डे द ग्रैंड मदर डैड शी डिड नॉट प्रे इन द इवनिंग शी कलेक्ट द वुमेन ऑफ नेबरहुड गॉट एन ओल्ड ड्रम्स एंड सेंग द ओल्ड होम कमिंग्स ऑफ वॉरियर्स द नेक्स्ट मॉर्निंग सॉरी It was the first time when she did not pray. The next morning she was ill and told us that her end was near and as she has omitted to pray last evening, she was not going to waste any more time talking to us. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads before she died. Okay, I think you all know. चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 ओके क्वेश्चन नंबर 5 द वे इन विच या किस तरह से द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देखिए स्पैरो मीन्स क्या होता है गौरैया या चिड़िया एक्सप्रेस यानी अपना व्यक्त करना अपने मन की जो भावना होती है उसको दिखाना उसको बोलते हैं एक्सप्रेस बोलते हैं एक्सप्रेस या डू नॉट एक्सप्रेस योर इमोशंस या योर बैड इमोशंस यानी अपने बुरे इमोशंस को बाहर मत निकालो उसी को बोलते हैं क्या एक्सप्रेस डियर सोरो उन्होंने अपने दुख को किस तरह से व्यक्त किया किसने गौरैया ने ठीक है व्हेन जब द ऑथर्स ग्रैंड मदर डेड यानी कभी पूछ रहा है कि जो गौरैया थी उसने उन्होंने दादी के
मतलब एक्सपायर होने के बाद किस तरह से अपना दुख व्यक्त किया। कौन पूछ रहे हैं? ऑथर। ओके देखिए, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, देखिए हजारों, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, हजारों की संख्या में क्या स्पैरो गौरैया सेट अराउंड, सेट यानी बैठी थी, अराउंड यानी चारों ओर, द डेड बॉडी, डेड बॉडी के चारों ओर हजारों की संख्या में गौरैया बैठी हुई थी, डेड बॉडी ऑफ ग्रैंड मदर, दादी की चारों ओर, देयर वाज नो चिरपिंग, यानी वहाँ पर कोई चहचहाट नहीं थी, द ऑथर्स मदर थ्रू सम ब्रीड क्रम, द ऑथर्स मदर यानी ऑथर की माँ ने थ्रू यानी फेंके थे, सम यानी कुछ, ब्रेड यानी रोटी के क्रम्स यानी दाने, टू देम उनके लिए यानी रोटी को जो टुकड़े थे ना उनको डाल दिए, द बे ग्रैंड मदर यूज टू, किस तरह से, जिस तरह से दादी डाला करती थी उसी तरह से लेखक की माँ ने भी डाले, बट द स्पैरो डिड नॉट टुक नोटिस, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, ऑफ द ब्रेड क्रम्स, किस पर, रोटी के टुकड़ों पर, व्हेन द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स वाज कैरिड ऑफ, जब उसको दूर ले जाया जा रहा था, दे ऑल थ्रू अवे क्वाइटली, यानी वो पूरी पूरे कहाँ चले गए, दूर भाग गए, दिस इज हाउ, इस तरह से द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो, ओके।